तो फाइनली गाइस रैंडी ऑर्टन जो चाहते थे आज उनको यहाँ पर मिल ही गए। आज के यहाँ पर स्मैकडाउन पे ट्रिपल एच उनके सामने देखने को मिले। तो क्या कुछ यहाँ पर ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन के बीच, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है यहाँ पर रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन काफी समय पहले से यहाँ पर फ्रस्ट्रेट थे, वहाँ पर सीधा रिंग में आ जाते हैं माइक लेकर। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि पिछले यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर जब हमने यहाँ पर निक एल्डिस से मैच मांगा यहाँ पर केविन ऑन और रैंडी ऑर्टन के बीच, तो उन्होंने यहाँ पर देने से साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद निक एल्डिस ने उनसे ये भी कहा कि वो मैच इनको नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि ये मैच किससे लेना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को रिंग में बुलाते हैं। गाइस आपको बता दें ये स्टोरी लाइन का एक हिस्सा था जहाँ यहाँ पर आज ट्रिपल एच भी प्रेजेंट थे आज के स्मैकडाउन पर। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच माइक उठाते हैं और सीधा यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि मैं तुमको और केविन ओवेन को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम और केविन ओवेन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और ट्रिपल एच यहाँ पर रैंडी ऑर्टन से ये भी कहते हैं कि मैं तुमको यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ कि तुमको यहाँ पर 18 महीने से इंजरी हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारा काफी लेट एंट्री हुआ है पर WWE में, और ये कोई आम इंजरी तो था नहीं, ये काफी डेंजरस इंजरी था जो कि यहाँ पर ये बैक इंजरी हुआ था तुमको। और तभी गाइस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन उनसे बोलते हैं कि मैं तुमको यहाँ पर कॉल आउट किया हूँ यहाँ पर पॉल ट्रिपल एच को नहीं बल्कि वो ट्रिपल एच को जिसने हमारे घर में जाकर अटैक किया था, जिसने हमारे घर में जाकर वहाँ पर दरवाजा तोड़ कर एंट्री किया था यहाँ पर स्लेज हैमर से। उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ये भी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर हमसे प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पर केविन ओवेन से। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ये भी बोलते हैं कि तुम यहाँ पर केविन ओवेन को हमसे बचा रहे हो। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन उनसे एक बार फिर से डिमांड करते हैं कि उनको यहाँ पर क्राउन ज्वेल में एक मैच चाहिए यहाँ पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेन के बीच क्राउन ज्वेल में। हालांकि गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच कुछ समय यहाँ पर सोचते हैं, फिर उसके बाद एग्री हो जाते हैं इनके यहाँ पर डिसीजन से और यहाँ पर इनको वार्निंग भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर गार्ड के साथ रहोगे। वैसे गाइस आज के इस प्रोमो सेगमेंट से देखकर साफ यही पता चल गया कि लगभग इनका मैच यहाँ पर कंफर्म हो ही गया है क्राउन ज्वेल के लिए।